पिता का इलाज कराने कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित कृष्णा नर्सिंग होम आए एक युवक ने अल्ट्रासाउंड कल सुबह कराए जाने की बात सुनकर काउंटर पर गोली चला दी। इस गोली चलने की घटना में काउंटर पर बैठा युवक बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार मामले की जांच करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरफिरा युवक कौशल अपने पिता का इलाज कराने कृष्णा नर्सिंग होम आया था। चिकित्सक ने उसके पिता को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। उसके बाद काउंटर पर बैठे एक स्टाफ में उसे कल सुबह खाली पेट अपने पिता को अस्पताल लाकर अल्ट्रासाउंड कराने की बात कही। इसी को लेकर दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस हो गई। इसके बाद मौके पर सपन कुमार नामक अस्पताल का स्टाफ पहुंचा और युवक को कल अस्पताल सुबह लाने की बात कही। इस दौरान युवक ने हाथ में पिस्टल दिखाकर उसे डराने का काम किया। उसके बाद वह कुछ दूर जाकर बैठ गया और काउंटर पर बैठे युवक को टारगेट करते हुए उस पर गोली चला दी। इस गोली चलाने की घटना में काउंटर पर बैठा युवक बाल बाल बच गया और काउंटर पर लगा शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना के बाद इसकी सूचना सिटी थाना पुलिस को दी गई। सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खाली खोखे को जब्त किया। मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार मामले की जांच करने में जुट गए हैं। वहीं अस्पताल के स्टाफ और अस्पताल के मालिक ने पूरी घटना की जानकारी मीडिया को दी। मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी ने फिलहाल किसी भी तरह का बयान देने से इनकार कर दिया। जैसे हम उधर से आए ना, उन लोग बोले कि क्या बोला है जाके बता दो तुम, ठीक है। तब हम आए तो बोला क्या क्या हुआ था बाबू, बोले वो बोला कि अल्ट्रासाउंड कहाँ कराना है, हम बोले यहीं आ जाना सुबह हो जाएगा। तो उसके बाद उससे फिर बोला कि देखो ये कैसा बोल रहा है और तुम कैसा बोल रहा था, तो क्या बोला वो तो हम नहीं सुने थे। उसके बाद वो एक बार निकाला पिस्तौल, निकाला एक बार, उसके बाद दिखा लिया और पॉकेट में डाल लिया। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर बकने लगा, पकचक करने लगा, फिर तुरंत चला दिया। क्या गोली चलाया? एक गोली काउंटर पे चलाया। हाँ, नहीं वो खड़ा यहाँ पर बैठा हुआ था, उसी के ऊपर चलाना चाह रहा था लेकिन वो मुंडी झुका दिया तो उसको लगा नहीं। एक गोली, कितना गोली चला? एक गोली। ने क्या कारण क्या था, कहे के लिए चलाया? वो पेशेंट लाया था कोई था उनका, जिसके कारण वो सर दवा लिखे थे ना, तो अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछ रहे थे। कितने की संख्या में था लोग? उन लोग दो था। दो लोग था, दोनों के हाथ में पिस्टल था कि एक हाथ में? हम तो एक ही का हाथ में। क्या नाम हुआ आपका? सपन कुमार। सूचना मिली कि कृष्णा नर्सिंग होम में किसी ने गोली चलाया है, इसी सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई है तो पुलिस और हम खुद यहाँ पे घटनास्थल पर आए हैं। यहाँ गोली चलने की घटना सत्यापित की गई है और अपराधी की पहचान भी हो गई है और अग्रतर छापामारी और जो भी कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी की पहचान है उसका आपराधिक इतिहास क्या रहा है? अभी हम लोग देख लेते हैं उसका आपराधिक इतिहास थाने लेवल पे उसका जो क्या है, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से दिनदहाड़े गोली चलाई है, पुलिस का खौफ नहीं है? पुलिस का खौफ तो है और अपराधी में हम लोग बना के भी रखे हैं और ये सब घटनाएं हुई हैं तो इसका हम लोग सत्यापन भी कर लिए हैं और इसकी हम लोग अग्रतर कार्रवाई करके इसका उद्भेदन भी करेंगे और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है वो हम लोग करेंगे। अपराधियों का काम है कि वो अपने अपराध करने के फेर में रहते हैं लेकिन पुलिस इसके लगातार इसको प्रिवेंट करने में लगी हुई है और उसका डिटेक्शन भी हम लोग करेंगे और ऐसा ना हो इसके लिए भी हम लोग जो भी कार्रवाई करना है करेंगे। किस कारण गोली चलाई गई कुछ पता चला? ये कुछ यहाँ पे उनके पेशेंट भर्ती थे और उसी में कुछ बहस हुआ है और उसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई है और हम लोग इसमें लगे हुए देखते हैं क्या आगे आता है। सर डॉक्टरों